आज सुबह शहर के अजनी परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खुले मैदान में सड़ी गली अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया। जानकारी मिलते ही अजनी पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची, जहां क्या शव बेहद ही बुरी अवस्था में पाया गया। अंदाजतन शव के 7 से 8 दिन पुराने होने का अंदेशा पुलिस द्वारा जताया जा रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिस संबंध में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे के करीब कंट्रोल रूम में फोन कर अजनी थाना क्षेत्र के राजश्री नगर परिसर के बड़े मैदान के बाजू खुली जगह पर सड़ी गली अवस्था में एक अज्ञात शव के होने की जानकारी दी गई। जानकारी पर जब अजनी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां सड़ी गली अवस्था में लगभग 7 से 8 दिन पुराना शव मिला। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव के 35 से 45 साल के बीच के पुरुष के होने का अंदाजा पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। जिस संबंध में अजनी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि शव पर लाल काले सफेद रंग के छोटे चेक्स का शर्ट है और पैरों में जूते मोजे हैं। उम्र अंदाजन 35 से 45 के मध्य में है। यह हत्या थी या आत्महत्या या कोई हादसा, इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल ऐसे शिनाख्त वाले किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने की जानकारी पर अजनी पुलिस से संपर्क करने का अनुरोध वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन फटांगरे इन्होंने किया है। आज अंदाजे सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास नियंत्रण कक्षाकडून एक अनोळखी पुरुष जातीच्या इसमाचे राजश्री नगर परिसरातील मोकळ्या मैदानाच्या बाजूला झुडपामध्ये एक बॉडी असल्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झाली। त्यानंतर आमचे डीओ PSI मस्के हे त्या ठिकाणी पोहोचले, इतरही आमचे अधिकारी अंमलदार त्या ठिकाणी पोहोचले। सदरचे बॉडी ही कुजलेल्या अवस्थेत आहे आणि अंदाजे 1 आठवड्यापूर्वी 7 ते 8 दिवसापूर्वीची ती बॉडी दिसून येत आहे। त्या बॉडीवर त्याच्या अंगामध्ये एक लाल काळ्या पांढऱ्या छोट्या चेक्सचा शर्ट आहे, पॅन्ट आहे, बेल्ट लावलेला आहे, शूज पायामध्ये आहेत राखाडी रंगाचे कपडी शूज आणि सॉक्स वगैरे घातलेले आहे। अंदाजे 35 ते 45 वयोगटातील इसमाचं ते प्रेत दिसून येत आहे। मध्यम बांध्याचा पुरुष आहे, डोक्याला साधारणतः पुढील बाजूस टक्कल असावे असं एकंदरीत दिसून येत आहे। तरी अशा वर्णनाचा कोणी इसम कोणत्याही परिसरात किंवा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये मिसिंग असल्यास त्यांनी अजनी पोलीस स्टेशनशी संपर्क करावा। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।